ये है मेरी मम्मी। ओए मम्मी जी। इस सफर में आपको ये आधा टाइम फोटोज खिंचवाते हुए दिखेंगे। देखो मैं कह रहा था फोटोज का इतना ज्यादा शौक है। ये जितना इधर डर रही है उतना ही इस इंसान को डरा के रखती है। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। ये है इनके बेटर हाफ और मेरे पिताश्री। काफी रोमांटिक है पापा। ये है मेरी बहन। इसकी तरफ जब भी कैमरा करता हूँ ये पता नहीं क्यों उसे शीशा समझ लेती है। काले आ रहे हैं। अबे बोलना, कुछ बोलना होता है व्लॉगिंग में। और ये है बत्रा, ऋषभ बत्रा, द लेडीज मैन। ओहो व्हाट अ हॉटी। और बत्रा के जो पीछे बैठा है वो हूँ मैं। अब मैं खुद अपनी तारीफ क्या ही करूँ। आप सोच रहे होंगे कि तरुण का है। अब देखो हर ट्रिप की शुरुआत अच्छी नहीं होती। प्लान तो हमारा था कि तीनों पेपर खत्म होते ही निकल जाएंगे और ऐसा हो भी रहा था, पर फिर एंड मोमेंट पे दिल्ली की सर्दी ने तरुण को कर दिया बीमार। प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। क्योंकि मेरा इतना मन है जाने का, दिमाग खराब हो गया कि ये कैसे सब कुछ एक साथ हो गया। डॉक्टर ने भी मना किया यार। तो फिर हमने भी सोचा कि अब क्या ही व्लॉग बनाने का फायदा। कैसी है ये जिंदगी। पर फिर तरुण ने हमें संदीप महेश्वरी से भी बढ़िया मोटिवेशन दी। तुम व्लॉग बनाना ही, क्योंकि कंटेंट पे मिस नहीं करना है। भले कुछ भी हो रहा है वीडियो तो डलनी ही चाहिए। और ये सारे अप्स एंड डाउन आएंगे कि कोई बीमार है या कुछ। अब तो बनाना ही था व्लॉग। अच्छा वैसे हम जैसलमेर जा रहे हैं। देखो मेरे हिसाब से हर एक सफर के तीन क्रूशियल चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर 1 द जर्नी। जर्नी की ये बात अच्छी होती है कि हर कुछ देर में आपके आसपास के नज़ारे और आसपास के लोग दोनों ही बदलते रहते हैं। और बुरी बात ये होती है कि दिल कच्चा होता रहता है, ओखा हो रहा है। ये बीकानेर तक ऐसी रोड है कि पापा ये रोड ऐसे खाली है, पता नहीं गांव है क्या है। और यहाँ पे कोई भी और टूरिस्ट की गाड़ी नहीं दिखी मेरे को। ओए होए ये अनारदाना खा रहे हैं सारे, सबके पेट के सिस्टम ठीक होने है। चलो भैया देखते हैं कब बीकानेर पहुंचेंगे। नाम सब दर्पण जीवन बात उनकी है फकीरन दुनिया भाग ये चले मत हम चलते चलते रुक गए फकीरा क्यों। बाबू मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ भाई तो अभी हम वॉशरूम की तलाश में रुके हैं। चैप्टर 2 हंट फॉर द टॉयलेट। और फाइनली मिल गया, पूरे रास्ते उजाड़ सा था। हम दो घंटे ऐसे पेट ऐसे पकड़ के बैठे थे कि यार कहीं मिल जाए एकदम हल्के। अब हुए हम दो घंटे बाद अब हुए। कैसा लग रहा है हल्के होके? पापा अभी हम कहाँ पहुंचे? हाँ भाई इस ट्रिप का पहला स्टॉप है हमारा बीकानेर, जो कि है 250 किलोमीटर दूर। डायरेक्ट जैसलमेर तो बहुत लंबा पड़ जाता, इसलिए हम खाना खाने रुके। मैगी बहुत यम्मी है। यार तुम मेरी ओवर एक्टिंग मत डालो इसमें। जब हम अपने जमाने में बसों में वेट करते थे तो ऐसे ही 15-15 मिनट 20 मिनट आधा आधा घंटा। पहले तो DTC पता कैसे चल रुकती नहीं थी, सिर्फ स्लो होती थी, उसमें सिर्फ एक्रोबैट चढ़ते थे। नॉर्मल आदमी बूढ़ा बूढ़ा तो फर्स्ट पॉइंट से चढ़ जाए। आगे झुंझुनू आएगा, झुंझुनू में रानी सिटी मंदिर है देखने लायक, बहुत बढ़िया जगह है। रानी सिटी मंदिर बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं। मंत्रियों की गाड़ी गए सब देश के भाई चल दिए, जब देश की जनता रुके रहे बस ये फकीरा क्यों। बीकानेर ये रोड जाएगा, बीकानेर सीधा रोड आप गांव से निकल के बाहर सीधा फतेहपुर होके बीकानेर। अभी हम रास्ते में रुक गए यहाँ पे ना, रास्ते में एकदम ही उजाड़ है पर बीच बीच में ना झोपड़ा पट्टियाँ आती है, तो मेरे को वो काफी लग रहा है कि फोटो अच्छी आएगी उधर। इंस्टाग्राम के लिए काफी सही है यू नो। या तो अगर आपको इंस्टाग्राम वगैरह अच्छा करना है ना तो मतलब बीकानेर के रास्ते में रुक जाना थोड़ी देर, झोपड़पट्टी ढूंढ लेना। यहाँ पे मुंह पे चढ़ गया झोपड़पट्टी। ये रोड एकदम सीधी एकदम सीधी, पर गाड़ी चल रही है तेज तेज गाड़ी। चलो मिट्टी खाता था बचपन में, मुझे समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट की बच्चे मिट्टी क्यों खाते थे। तूने खाई है? मैंने कभी नहीं खाई। खाना यार आज ट्राई कर ले। एक तो मिट्टी क्यों खाते हैं बच्चे, चौक खाते हैं। सौ अच्छी चीजें हैं। सही बात है ऐसे। भैया वो उस झोपड़ी तक नहीं जा सकते? सिकले जाओ सिकले बिल्लियों। मेरे को समझ नहीं आया, हिंदी बोलते हो? नहीं रुको मैं बताता हूँ मैं क्या क्या। वो झोपट घर हाँ जाना है। जासको कैसे बंद है ना गली है? बाजू बटिंग बाजू है गेट है अटर कर नहीं है गेट तो पर कर है अटर गली है टाटा टूटा बटन का तर किधर इधर चला जा रहे ना। हाँ ओ आपने ऐसा किया था
अच्छा आपका ये खेत सारा? हाँ। किस चीज की खेती है? ए बाजरे की है, मोटा की है, मूंगा की है। अच्छा 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 सिंह की है। ये लोग कहाँ रहते हैं? खाली एकदम। क्या खाली एकदम? अब रहते गांव में रहते हैं। इसने हमें अपनी भाषा में तोड़ा दिया झूठ बोल के। हमने इससे पूछा कि झोपड़पट्टी बताओ यहाँ से है, कह रहा है यहाँ से है। अब हम यहाँ आ गए पर नहीं है, बंद है तो। कहाँ ऐसे जाना है भैया? तो बंद है तो भैया ये पास क्रॉस। हाँ भैया पहले बताना था। नहीं ये उधर से और है। नहीं इसमें जाना था ना, इसमें नहीं जाना। यार हमें ना उस झोपड़पट्टी पे जाना था, जो ये झोपड़पट्टी है ना, यहाँ जाना था। पर हमारे बीच में ये आ गए कांटे। कांटे आ गए और मैं इतना एडवेंचरस हूँ नहीं कि मैं ये क्रॉस करूँ। ये अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से निकलने की, पर मेरी बहुत फट रही है। गुरु तू कैसे चल रही है? तो पतली सी है ना। करें करें सुन सुन। हाँ हाँ। अरे ओ मेरी फट गई, सही में फट गई। निकल देखो मोटा हूँ यार। कोई नहीं मैन। ओहो ये तो अब मुश्किल लग रहा है। अरे इसको नहीं पकड़ना, देखो वो स्ट्रिंग उधर चल। नहीं भाई जी बरेड़ा होने नीचे। चलो भैया ये किस लिए बनाया जाता है? आपने बनाया है ये? इसके अंदर कोई रहता है? मैं माँ आता नहीं ऊपर हूँ। मैं मावन चौमास हूँ। मैम मैं वो ये बोतल भी है प्रॉप। सुन सुन ऐसी बैठो बोतल सामने रख दे। आ गई दिखाई भाई भाई बहुत सही। क्या लव यू। हमें ये तो समझ नहीं आया कि भैया ने बोला क्या, पर ये जरूर समझ आ गया कि अगर किसी झोपड़ा पट्टी के आगे फोटो खिंचवाओ तो फोटो बढ़िया आती है। ओके भैया धन्यवाद। अभी जो हम जोश जोश में पूरा ट्रेस पासिंग करी है हमने, कांटे लग गए हैं नीचे सारे चिपक गए हैं देखो। अब ये लगाने में लगे हुए है, लगाने में नहीं हटाने में। इसके क्यों नीचे लगे? लगे तो हैं। इसके ऋषभ के जेलस हो रही तू? लग गए पता नहीं क्या क्या लग गया। चुभ रहे हैं बहुत। हम आगे तक चले गए थे, हमने सोचा तुम घूमते रहोगे देखते हैं क्या होगा। और अब आता है आखिरी चैप्टर द चेक इन। यहाँ पे ना ही दिल कच्चा होता है और ना ही टॉयलेट ढूंढने की परेशानी, बस आराम ही आराम। हाँ भाई तो अभी अभी हमने चेक इन करा है और एकदम आते ही माइंड फ्लिप हो गया है। अभी हमने मुंह हाथ धोया है, मुंह हाथ धोया है क्योंकि पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई थी जहाँ पे हम घूम फिर रहे थे। पर अभी अभी हम घुसे हैं और गाड़ी में ना पापा से पूछ रहे थे कि कहाँ की बुकिंग करी, क्योंकि पापा ने ज्यादातर प्लानिंग करी है इस ट्रिप की कि कहाँ बुकिंग हुई है। तो पापा ने क्या कहा? नरेंद्र भवन। तो नरेंद्र भवन सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? कोई धर्मशाला से आएगी यहाँ पे, एक पंखा एक बेड, जो कि ठीक है क्योंकि हमें आदत है उसी सबकी। पर अभी हम घुसे और क्या निकलते, कोई मतलब राजा का ही पुराना कोई महल सा है और उसको भी रेनोवेट कर रखा है, वो भी नए स्टाइल में। जो आखिरी राजा थे बीकानेर के, उसकी रेजिडेंस थी है, जो कि अब पूरा एक होटल बन गया है। और ऐसा होटल है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं नरेंद्र भवन के नाम से जो ये मिला ना। यहाँ पे घुसते एकदम ऐसे अमीरी अमीरी वाली वाइब्स आ रही है, ऐसे रॉयल फील आ रही है। चलो भाई तुम्हें दिखाते हैं अब यहाँ के नजारे। कटी मोड़
भाई बहुत थक गए हैं और खा पी लिया है, बहुत सारा खा पी लिया हाँ। काफी टेस्ट, और ऊपर से ये बेड इतना है, वो है ना समझ रहा है, बैठते ही ऐसे नींद आ जाए ऐसा हुआ कि अब सुबह से खाया इतना ज्यादा हाँ, तो हमारा लंच एक तरह से स्किप हो गया था और आज का पूरा दिन गाड़ी में निकल गया, तो इतना थक हार गए थे। तो जैसे ही हमें खाना दिखा ना हाँ, हमने सब ले लिया, सब ले लिया, दो दो बार ले लिया। तो आज का दिन तो यही था भाई, आज अभी हम बीकानेर पहुंचे हैं, अब हमें जैसलमेर निकलना है जो कि हम कल सुबह निकलेंगे, तो वो सब देखने को मिलेगा अगले पार्ट में। अब हम सोने के लिए निकल यार मासी मुंह में अटक गई। चलो बाय बाय, डू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड डू शेयर इट, यस जरूरी है क्योंकि अगला पार्ट आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर लेना इफ यू हैवंट ऑलरेडी, सो दैट यू नो कि अगला पार्ट कब आता है, क्योंकि अगला पार्ट विल बी फुल ऑफ असली कंटेंट, फुल ऑफ ये भी असली, ये क्या बोल रहे हो, वेल फुल ऑफ मतलब मेन चीजें स्टार्ट होगी। दिस वाज द फर्स्ट लेग ऑफ आवर होल ट्रैवलॉग, तो अब देखते हैं आगे कहां का जर्नी शुरू हुई, काफी वेरी एक्साइटेड, बाय बाय, थक गए अब सोएंगे, सो इट डजंट मैटर एनीमोर।